दोस्तों हमारे देश में टीचर को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है या बोले रिस्पेक्ट दी जाती है। यदि वह सरकारी टीचर है तो उसकी तो बात ही अलग है। तो क्या ऐसे में आप भी एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं? क्या आप अपना अमूल्य ज्ञान स्टूडेंट के साथ में शेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ में एक अच्छी सैलरी वाली जॉब की तलाश कर रहे हैं? तो बने रहो इस वीडियो में अंत तक। मैं आपका दोस्त हैकर आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर विद फुल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं कितने तरह के सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सरकारी टीचर को तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है PRT प्राइमरी टीचर, सेकंड TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, थर्ड है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आइए जानते हैं PRT के बारे में। PRT के अंतर्गत आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए 12वीं में 50% मार्क्स से पास होना जरूरी है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करना होगा या फिर आपके पास में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की डिग्री होना चाहिए। अगर आप नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया है तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे प्री प्राइमरी टीचर बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे ज्ञान के साथ साथ बच्चों से प्यार करना, अच्छे से समझाना, उनकी बातों को समझना, यानी कि बच्चों को पूरा सरलता के साथ पढ़ाना आना चाहिए। सरकार पूरा जांच करती है तभी आपको ये जॉब ऑफर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं TGT के बारे में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इससे आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 से लेकर 10 क्लास के बच्चों को। इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री साथ ही में BED बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है। आप इतना करने के बाद खूब आराम से 6 से 10 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। लास्ट में बात PGT के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टीचर होते हैं। इससे आप 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट और साथ ही में BED की डिग्री होना चाहिए। वह भी अच्छे मार्क्स से, तभी आपको मौका मिलता है स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। इतना करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही आप सरकारी टीचर की जॉब मिलती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर की सैलरी के बारे में। अगर बात करें सरकारी टीचर की सैलरी के बारे में तो एक बात हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट टीचर में सैलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना। सरकारी टीचर की सैलरी उनके लेवल के अनुसार मिलती है। पर बात करें जनरल सैलरी की तो यह लगभग 9,000 से लेकर 34,000 तक रहती है। ये सैलरी आपको शुरुआत में दी जाती है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे तो आपकी सैलरी और पोस्ट भी अपग्रेड होती जाएगी। लास्ट में बात करते हैं योग्यता के बारे में। ऐसे एग्जाम के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएट अच्छे मार्क्स से होना कंपलसरी है और आपको CTET या TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और यदि आप 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको CTET और TET दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। दोस्तों यदि फाइनली बात करें तो आपको 5 माइलस्टोन को कंप्लीट करना पड़ेगा यदि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो। फर्स्ट है 12वीं पास, सेकंड अपने मनपसंद सब्जेक्ट पर ध्यान देना, थर्ड है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करना, फोर्थ है BED कोर्स के लिए अप्लाई करना और फिफ्थ है जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं CTET या TET एग्जाम को क्वालिफाई करना। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।